नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं आपके चेहरों पर कील मुहासे जो हो जाते हैं उसके बाद जो गड्ढे पड़ जाते हैं उसको कैसे ठीक किया जाए, इस स्कार को कैसे ठीक किया जाए। दोस्तों उसके बारे में हम आज आपको डिटेल से बताएंगे, उसकी क्या होम्योपैथी मेडिसिन होती है और क्या उसके कारण होते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं उसके बारे में। नमस्कार दोस्तों आज हम बात करते हैं कि आपके जो चेहरे पर कील मुहासे हो जाते हैं उसके बाद जो दाग और धब्बे उसके छूट जाते हैं या फिर गड्ढे पड़ जाते हैं उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। दोस्तों कभी कभार आपने देखा होगा कि आपके चेहरे पर पिंपल्स वगैरह निकलते हैं, वो एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या हार्मोन जब चेंज होते हैं उसकी वजह से ये सब दिक्कतें आती हैं। दोस्तों जब आपकी उम्र 12 से 15 साल या 30 से 35 साल की जब होती है तो दोस्तों हार्मोन्स चेंज होते ही रहते हैं हमारे बॉडी में, तो आपको पिंपल्स एक्नी ये सब निकलना जायज़ ही बात होती है। दोस्तों ये जो एक्नी और स्कार होते हैं दोस्तों ये आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं, या फिर दोस्तों आपका जो खाना पान है या फिर जैसे जो आप स्पाइडी फूड्स, ऑयली फूड, फास्ट फूड ये सब चीज़ें जो खाते रहते हैं उनकी वजह से एक्सेसिव मात्रा में निकलने शुरू हो जाते हैं। परंतु दोस्तों ये कभी तो नॉर्मल ही निकलते हैं, परंतु जब आप इन सब चीज़ों का ज़्यादा सेवन करने लगते हैं तो आपको ये ज़्यादा मात्रा में निकलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों या फिर एक कारण होता है पॉल्यूशन का। दोस्तों जब ज़्यादा आप पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं उसमें क्या होता है, पॉल्यूशन के साथ में जो बैक्टीरिया होता है वो आपकी स्किन के साथ में वहाँ पर आकर के चिपक जाता है और पोर्स में चला जाता है, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स या एक्नी वगैरह बड़े से हो जाते हैं और जिसमें गांठें सी पड़ जाती है। आपने देखा होगा जब ज़्यादा आपको पिंपल्स निकलते तो आप उसमें पस वगैरह भी पड़ जाते, तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं उस चीज़ को, जब वो पिंपल निकलता है उसमें पस पड़ी होती है उसमें हल्का सा मुंह बन जाता है तो आप लोग उसको दबा देते हैं ताकि उसको पस निकल जाए और वो जल्दी ठीक हो। दोस्तों ऐसा नहीं करना होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपके जो स्कार हैं या फिर वहाँ पर जो गड्ढे हैं वो गड्ढे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये चेहरे पर फ्यूचर में या फिर पूरी ज़िंदगी भर इस चीज़ को निभाना पड़ता है। परंतु दोस्तों उसके बारे में आज हम आपको होम्योपैथी मेडिसिन बताएंगे, उसके समझाएंगे कैसे लेनी है और कब तक लेनी है, उसके बारे में अच्छे से आपको डिटेल से समझाएंगे। दोस्तों ये जो एक्नी और पिंपल्स होते हैं, स्कार्स होते हैं, जो उनके गड्ढे हो जाते हैं उसको हम कैसे ठीक करते हैं, उसके लिए होम्योपैथी मेडिसिन में सबसे नंबर वन पर आती किलक्रिया सल्फ। दोस्तों किलक्रिया सल्फ 30 पोटेंसी में आपको सवेरे शाम और रात में 3 बार लेनी है। उसके मैं सिम्टम बता देता हूँ। दोस्तों किलक्रिया सल्फ 30 पोटेंसी में जो होती है दोस्तों ये आपके पिंपल्स एक्नी के लिए होती है। और ये कैसे एक्नी पिंपल्स, दोस्तों जब आपके स्किन पर फेस पर मतलब जैसे कि हार्ड, जैसे आपने देखा होगा जब आपके पिंपल्स निकलता है बहुत अंदर से सूज जाता है, हार्ड हो जाता है, एकदम से गांठ पड़ जाती है, दोस्तों उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव और कारगर दवाई है किलक्रिया सल्फ 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार। दोस्तों दूसरे नंबर पर हमारी मेडिसिन आती है काली ब्रोम। दोस्तों ये काली ब्रोम जो होती है 200 पोटेंसी में आपको लेनी है, सवेरे लेनी है और शाम को लेनी है। दोस्तों इसकी दो दो बूंदें बहुत होती हैं, दो बूंदें आप चाहे एक छोटे चम्मच में पानी में ले लें, एक छोटा चम्मच उसमें दो ड्रॉप टपका लें और पी लें। दोस्तों ये सुबह शाम पीना है। और इसका मैं सिम्टम बता, दोस्तों ये आपके चेहरे पर छोटे छोटे से मुहासे टाइप में निकलते हैं, छोटे छोटे से रेड कलर में होते हैं, इचिंग होती है। मैं उसकी दोस्तों पिक लगा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा मुहासे और ये बड़े बड़े जो फुंसे होते हैं उसमें क्या अंतर होता है। दोस्तों छोटे छोटे से आपको देखा हो कि आपके एक गाल पर या किसी न किसी गाल पर इकट्ठे एकदम से ज़्यादा उबर से आए हों और इचिंग होती है और रेडनेस होती है, तो दोस्तों उसके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव दवाई है दोस्तों काली ब्रोम 200 पोटेंसी में सुबह शाम लेना। अब दोस्तों ऐसी मेडिसिन के बारे में बताता हूँ जो आपको जल्दी से इम्प्रूवमेंट होगा और अच्छे से डीपली जो आपके अंदर से जो गड्ढे हो गए हैं उसको भी अच्छे से भरता हुआ चला है। दोस्तों सब उसमें जो मेडिसिन आती है थूजा 1 mg की, दोस्तों थूजा 1000 पावर की आपको लेनी है। थूजा 1 mg बहुत ही डीप एक्टिंग रेमेडी होती है। दोस्तों ये आपको लेनी कैसे है, वीकली आपको दो बूंदे एक
चम्मच पानी में मिला करके पी लेना है। दोस्तों ये वीकली ही लेना और ये 6 हफ्तों तक लेना है, मतलब वीकली और 6 हफ्तों तक ही लेना है, यानी 1.5 महीने तक लेना। दोस्तों ये जो दवाई होती है थूजा, ये डीप एक्टिव रेमेडी का भी काम करती है, जिसमें गठीले या गांठ बढ़ जाती है उस चीज़ को अंदर से हील करती है, और साथ ही साथ जो स्कार आपका हो गया उस चीज़ को उभारने या फिर उसको ठीक करने में काम आती है। जो दोस्तों गड्ढे आपके पड़ गए उसको उभारती है, मतलब उस गड्ढों को भरती है, उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। दोस्तों अब हमारी दूसरी लास्ट रेमेडी है साइलेसिया। दोस्तों साइलेसिया 1 mm की पोटेंसी में या 1000 पावर में लेना है। दोस्तों ये भी आपको वीकली ही लेनी है और 6 हफ्ते तक ही लेनी है। दोस्तों ये जो है इसके सिम्टम बता देता हूँ, साइलेसिया भी एक बहुत ज़्यादा डीप एक्टिंग रेमेडी है। डीप एक्टिंग रेमेडी का मतलब होता है दोस्तों आपके स्किन के अंदर जा करके स्किन के अंदर से हील करते हुए वो आपको बाहर तक बिल्कुल फिट कर देती है। दोस्तों ये जो डीप एक्टिंग रेमेडी होती है बहुत ही कारगर और बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बहुत ही अच्छी दवाई है। दोस्तों इसको आपको ऐसे ही यूज करना है, वैसे ही जैसे दोस्तों थूजा और साइलेसिया का आपको अगर लेना है तो आपको कैसे लेना मैं बता देता हूँ। दोस्तों 1 mm पावर में लेना है दोनों ही, लेकिन जिस दिन आपको साइलेसिया लेनी है उस दिन थूजा ना लें, या फिर जिस दिन थूजा लेनी है उस दिन साइलेसिया ना लें, इन दोनों में कम से कम 3 से 4 दिन का गैप जरूर कर लें। दोस्तों दोनों 1 mm की पावर में लेनी है, और जो मैंने पिछली मेडिसिन बताई है उसको कंटिन्यू रखते हुए साथ में ये भी ऐड कर देना, आपके जो स्कार है या फिर जो आपको गड्ढे पड़ गए हैं उसकी आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। दोस्तों और अगर आपको एक्ने पिंपल्स ज़्यादा बनते हैं वो भी आपसे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों ये जो मेडिसिन थी ये तो आपको मैंने बता दी, और साथ ही साथ आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना उसके बारे में भी कुछ बता दें। दोस्तों अगर आपको नॉन वेज, चिकन, ऑयली, स्पाइसी, फास्ट फूड, इन सब चीज़ों के खाने के ज़्यादा शौकीन है तो दोस्तों ये बिल्कुल बंद कर दीजिए, कि अगर आप जब तक खाते रहेंगे आपके हारमोन्स डिस्टर्ब होते रहेंगे और आपके अंदर पस वाले दाने, एक्नी वगैरह निकलते ही रहेंगे। दोस्तों अब आपको खाना क्या, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी है, स्पाइसी बिल्कुल नहीं खाना है। ग्रीन वेजिटेबल के साथ में आपका डाइजेशन बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, मलमूत्र अच्छे से होना चाहिए, गैस नहीं बननी चाहिए, उसके लिए आपको ग्रीन वेजिटेबल, सलाड्स और सलाद वगैरह ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा सेवन करनी है। सवेरे शाम 1 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पिए, जिससे आपकी लैट्रीन और पाचन शक्ति स्ट्रांग होगी और आपके जो दालों की समस्या है वो बिल्कुल जब से ख़त्म हो जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सब समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों मैं ऐसे ही नॉलेजेबल डिसीज से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ और आपके लिए मैं पहुँचाता रहता हूँ। दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ दोस्तों आप अपने फ्रेंड सर्किल में या फिर फैमिली मेंबर में बोले कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर, जिनको एक्ने प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती है वो ये जरूर वीडियो देखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।